नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत, मैं हूं नीता मिश्रा। पटना में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक ताजा मामला पटना के इनकम टैक्स चौराहे के इलाके का है, जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। ये सुबह 5 बजे की घटना है, जब युवक मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, तभी घात लगाए कुछ अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही अपराधी बोरिंग रोड की तरफ भागने में सफल रहा। के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है, छानबीन होगा, पता चलेगा क्या घटना घटी है। साहब लोग उधर गए हैं देखने। प्रथम दृष्टया घटनास्थल पे पहुंचे, क्या कुछ देखने को मिला? तो देखे हैं कि ब्लड गिरा हुआ है। पहले से हमारे अधिकारी पहुंचे हुए हैं, कोतवाली थाना के SHO, और गोली उली लगा हुआ है। हाँ, ऐसा ही पता चल रहा है कि गोली मार दिया गया है। युवक की पहचान हो पाई है? नहीं, पहचान तो नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि जिस युवक की मौत हो गई है, उसका भी आपराधिक इतिहास रहा है। रात काफी रात हो गई थी, साहब की लग में रहते, ठीक ना साहब? बोले कि इतना रात में जाना चाहिए, रात नहीं, आनंदपुरी में ड्यूटी करते हैं, रात में ही सो जाओ। तो हम सो गए, ठीक ना, सो गए। तब फिर सुबह फोन आया, हम फोन की इग्नोर नहीं किए, सोचे घर से ऐसे ही फोन आते रहा। फिर हम कहाँ गया था? हम तो सुबह डेली निकलते हैं टहलने के लिए, सुबह का उनका डेली का है, चाय पीने आते हैं, निकलते हैं। कोई पे शक है? आए, हमको तो किन्हों पर शक नहीं है। कोई दुश्मनी उश्मनी, कभी कोई झगड़ा या किसी का विवाद? नहीं, मोहल्ला में किसी से झगड़ा नहीं है, विवाद नहीं है। दूसरा मामला पटना के फुलवारी शरीफ का है, जहां देर रात 2 गुटों में फायरिंग की खबर सामने आई है। हालांकि इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। एक सवालिया निशान पुलिस पर खड़ा करता है कि दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो देर रात फायरिंग की घटना निकल कर सामने आती है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए अजय भारत।